ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন 2021 অনুষ্ঠিত হলো দীঘার ডিএসডিএ বিল্ডিং এর কনফারেন্স হলে। ভারত ও বাংলাদেশের প্রায় 200+ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এই সম্মেলন বলে জানা গিয়েছে। দুই দেশের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সদস্যরা কোভিড পিরিয়ডে এবং নানান সমাজমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। का संदेश सूचक और द्योतक भी जाना चाहिए कि हम लोग जितने आज यहाँ बैठे हैं, हम भी इसी तरह के प्रोग्राम कहीं भी अपने अपने राज्यों में जा करके सभी प्रदेश के लोगों को बुला करके संदेश देने का प्रयास करेंगे। इस तरह का प्रयास भी हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री दिया जम्मू कश्मीर में जो माँ वैष्णो देवी है, उसमें यात्रा करने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता था। पासपोर्ट और वीजा किसने खत्म किया? जनसंघ के मेंबर पार्लियामेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी इसी पवित्र भूमि से पैदा हुए हैं। यही सांसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर में जाकर के हुआ था। किस विषय को लेकर के? वहां वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, जैसे आज हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए होता था। वो बगैर पासपोर्ट और वीजा के जम्मू कश्मीर में गए थे, वहां को गिरफ्तार किया गया और उनकी कश्मीर के अंदर हत्या की गई। दर्शन करने के लिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान की वजह से जाते हैं और इसी भूमि ने पैदा की है। इसलिए नमन है भूमि को, ये मातृभूमि है और यहाँ पे इतने महान लोग हुए हैं एक से एक। प्यार से जीना जानते हैं हम लोग, प्यार को बहुत बड़ा एक अपना हथियार मानते हैं। वी लव, वी अफेक्शन जो है ये बहुत बड़ा हमारा आजकल बहुत सारे संबंध जो हैं, वी आर जस्ट आवर वर्दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हु सेज वी वांट यू टू ग्रो विद इंडिया, ही वांट्स टू सी दिस नेशन एज अ स्ट्रांग नेशन। और उन मैसेज के कारण ही मुझे ऐसा लगता है हमारे राष्ट्रपति जी ने आपके 50 साल की इस बड़ी भाव और भावनात्मक और विजय जो आपने पाई थी 16 दिसंबर को और एक नए राष्ट्र के रूप में आपने जन्म लिया था, उसको देखते हुए उन्होंने इसको एक इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन माना और उन्होंने आपके देश का यात्रा की। मैं रामनाथ कोविंद जी की बात कर रहा था। मैं इस समय प्रेजेंटली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंडिया का सबसे पुराना, द पायनियर, मैं उसका सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, आई राइट फॉर पायनियर। और इस समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, मुझे उस सरकार के द्वारा गवर्नर नॉमिनी के रूप में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जिसको कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बोला जाता है, उसका मेम्बर बनाया हुआ है। मैं आमी अपनादेव सबाई के ऑन बिहाफ ऑफ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड कुरुक्षेत्र से इनवाइट करी द लैंड ऑफ भागवत गीता, जो गीता विच इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड गिव्स अ बिग मैसेज। अपनारा सबाई ओखाने आसुन, ऑन बिहाफ ऑफ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड आमी अपनादेर ओखाने स्वागत जानाई। पूर्व मेदिनीपुर थेके मदन माइती, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।